नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको पतंजलि इसबगोल भूसी, जो कि आयुर्वेदिक औषधि है, ये पतंजलि का प्रोडक्ट है, आज मैं आपको इसके फ़ायदे नहीं बल्कि साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये पतंजलि में आसानी से मिल जाता है। ऐसे इसबगोल भूसी हर कंपनी का एक तरह का ही होता है, कोई भेदभाव नहीं है। और ये 100 ग्राम के पैकेट में आता है, 90 रुपये का है। ये आपका पाइल्स में, यानी बवासीर में, कब्ज में, पेट साफ़ करने के लिए, गैस्ट्रिक में, ये सब में बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन आप इसके लाभ के बारे में तो पहले से जानते हैं, मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसलिए जो दोस्त मेरे इसके पहले से उपयोग करते आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, उनके लिए खास तौर पे ये वीडियो मैंने शूट किया है, इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहें। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, इसबगोल सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। भारत में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल समस्याओं जैसे कब्ज, डायरिया और एसिडिटी से राहत पाने के लिए व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह प्रभावी रूप से वजन कम करने और दिल को स्वस्थ रखने के लिए जाना जाता है। इसबगोल कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभों से जुड़ा है, इसलिए इसे इस्तेमाल करने के दौरान हम इस तथ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा या अनुचित तरीके से इसबगोल के इस्तेमाल से कई दुष्प्रकार की दुष्प्रभाव हो सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार 25 ग्राम इसबगोल भूसी के इस्तेमाल से जिंक, कॉपर और मैग्नीज जैसे मिनरल के ट्रेंस से मल उत्सर्जन बढ़ जाता है। साथ ही मिनरल का पता लगाने वाले सीरम का स्तर काफ़ी गिर जाता है। यह ट्रेंस मिनरल अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। जिंक इम्यूनिटी और एंजाइम की गतिविधि को बढ़ावा देने के साथ घाव को भरने में मदद करता है। मैग्नीज हड्डियों और संयोगी ऊतक की टूट फूट को रोकता है। साथ ही यह कैल्शियम के अवशोषण, रक्त शर्करा के विनियमन और वसा और कार्बोहाइड्रेट चयापचय में मदद करता है, जबकि कॉपर लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण। इसबगोल दवा को सतह पर ही सोख लेता है, ऐसा गेस्ट्रोइंटेस्टिनल पथ या छोटी आंत में रक्त के अवशोषण को कम करने के कारण होता है। नतीजन दवा का प्रभाव कम हो जाता है। यह दवा एस्पिरिन के लिए सच है, लेकिन यह माना जाता है इसबगोल अन्य दवाओं के अवशोषण में हस्तक्षेप करता है। हालांकि इस दावा से के समर्थन में कोई सबूत नहीं है। ये इसबगोल फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए कब्ज और अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टिनल समस्याओं से ग्रस्त लोगों को इसबगोल लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन फाइबर का बहुत ज़्यादा सेवन गैस के कारण पेट में सूजन की समस्या पैदा कर सकता है। ऐसा पेट की समस्या को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पथ में से मलाशय में पारित होने से समस्या होने के कारण होता है। ध्यान रखें, इसका अत्यधिक सेवन ना करें। साथ ही हमेशा इसका सेवन पानी में भिगोकर नियम से करें। गर्भावस्था में इसे लेने से पहले डॉक्टर की राय लेना ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स पे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, आपका सब्सक्राइबेशन बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। धन्यवाद।